मित्रों, आज जो पाठ आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं वह कक्षा 11 के पोएट्री का दूसरा लेसन है, दूसरा पाठ है, और पाठ का नाम है लिबर्नम, द लिबर्नम टॉप। लिबर्नम माने होता है अमलतास का वृक्ष, अब टॉप माने होता है चोटी, तो अमलतास के वृक्ष का ऊपरी हिस्सा। अमलतास एक छोटा पेड़ है जिसकी लटकी हुई शाखाएं होती हैं और इस पर पीले रंग के फूल लगे होते हैं और इसके जो बीज होते हैं थोड़ा जहरीले टाइप होते हैं। अब इसी अमलतास के वृक्ष पर एक गोल्ड फिंच है जिसको सोन चिरैया भी कहते हैं, जो पीले रंग के पंखों वाली होती है, एक सिंगिंग बर्ड है, अपने बच्चों के साथ रहती है घोंसला बना करके। जब तक सोन चिड़ी अमलतास के वृक्ष पर नहीं रहती है तो पेड़ में पूरी तरह से शांति छाई रहती है, लेकिन जैसे ही वह सोन चिड़ी अमलतास के वृक्ष पर आती है तो पेड़ में कोलाहल, हो हल्ला, चिड़ियों की चहचाहट, शोरगुल सुनाई देने लगता है। यही इस पाठ में जो पोएट हैं टेड ह्यूज बताए हैं। देखिए पाठ के बारे में, द लिबर्नम टॉप इज साइलेंट। द लिबर्नम टॉप अमलतास के वृक्ष का ऊपरी सिरा या ऊपरी भाग में या ऊपरी हिस्सा शांत है या ऊपरी हिस्से में शांति है, क्वाइट स्टिल, पूरी तरह से शांति। तो पहली वाली लाइन देखिए, द लिबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, अमलतास के वृक्ष के ऊपरी हिस्से में पूरी तरह से शांति है, अर्थात वहां पर कोई कोलाहल नहीं है, कोई शोरगुल नहीं है, पूरी तरह से स्थिरता है। अब कब के कब समय है, इन द आफ्टरनून, तीसरी पहर, येलो माने पीला, सितंबर महीना है सितंबर का, और सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, तो येलो सनलाइट, ध्यान दीजिएगा, सितंबर आप इधर कर दीजिए तो येलो सनलाइट, पीली धूप हो जाएगा, सितंबर के महीने की तीसरी पहर की पीली धूप में, सितंबर के महीने की दिन के तीसरे पहर की पीली धूप में, ध्यान दीजिएगा, इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर के महीने की दिन के तीसरे पहर की पीली धूप में। अब दोनों लाइन एक साथ ले लीजिए, सितंबर के महीने की दिन के तीसरे पहर के पीली धूप में अमलतास के वृक्ष में पूरी तरह से शांति है। आगे देखिए, ए फ्यू लीव्स येलोइंग, कुछ पत्तियां पीली हो रही हैं, कुछ पत्तियां क्या हो रही हैं, पीली हो रही हैं, एंड इट्स सीड फॉलन, सीड माने बीज होता है, फॉलन, और इसके जो बीज हैं वह बीज क्या हो गए हैं, गिर गए हैं। यहां तक हो गया, ठीक है, अगली पोएम देखिए, टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तभी जो गोल्ड फिंच है सोन चिड़ी आती है, विथ ए ट्वीचिंग, ट्वीचिंग माने होता है झन्नाटेदार या झटका, चिरप माने होता है चहचहाहट, एक झन्नाटेदार या एक झटके के साथ, चहचहाहट के साथ, ए सडननेस, सडननेस माने अचानक होने वाला भाव, स्टार्टलमेंट माने होता है चौंकाने वाला भाव, एट द ब्रांच एंड, अब देखिए, विथ ट्वीचिंग, अचानक झन्नाटेदार, एक झन्नाटेदार चहचहाहट और अचानक
तथा स्टार्टमेंट माने होता है चौंकाने वाला भाव, चौंकाने वाले भाव अचानक चहचाहट और चौंकाने वाले भाव के साथ। अब इसको देख लीजिए, अचानक चहचाहट और चौंकाने वाले भाव के साथ एट द ब्रांच चिल्ड डाल के अंत पर बैठ जाती है। तभी जो है गोल्ड फिंच क्या करती आती है और अचानक चहचाहट और चौंकाने वाले भाव के साथ पेड़ के डाली के अंत पर बैठ जाती है। जो भी शाखा है, ब्रांच है, इंड है, देखिए उस पर बैठ जाती है। देन स्लीक, यस एल डबल ई की, स्लीक माने होता है चिकनी या चमकदार। एस लिजर्ट, लिजर्ट माने आप लोग जानते होंगे छिपकली। तब एक छिपकली, यानी छिपकली या पतली छिपकली के समान। एंड अलर्ट, चौकन्ना। एब्रप्ट, एब्रप्ट माने होता है अप्रत्याशित। और फिर ध्यान दीजिएगा, हमने माने सबका अलग अलग बता दिया। देन स्लीक एस लिजर्ट एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट। लिजर्ट माने छिपकली होता है और स्लीक माने होता है चिकनी या चमकदार। अलर्ट माने होता है चौकन्नी। एब्रप्ट माने होता है अप्रत्याशित। फिर देख लिए, और फिर छिपकली के समान, छिपकली के समान पतली सी चौकन्नी और अप्रत्याशित रूप से, अप्रत्याशित रूप से सी इंटर्स द थिकनेस। अब देखिए, पहले आकर के डाल बैठती है। सी इंटर्स, वह प्रवेश करती है द थिकनेस माने होता है सघनता में, यानी पेड़ की सघनता में, जो पत्ती झुरमुट है पेड़ की सघनता में प्रवेश करती है। एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप। अब यहां पर मशीन तो मशीन जन भी करते हो, मशीन माने मशीन होता है, और मशीन में जब वहां पर जब ब्रिज मतलब थिकनेस में बीच में प्रवेश करती है, ए मशीन स्टार्ट्स अप। अब वहां पर जब प्रवेश करती है तो उसके जो बच्चे हैं वह उसको देख करके चहचाहट करने शुरू कर देते हैं। वही कह रहा मशीन स्टार्ट्स अप। आगे देखिए, ऑफ चैटरिंग एंड ट्रेमोर ऑफ विंग्स एंड थ्रिलिंग्स। ट्रेमोर, ध्यान दीजिएगा, ट्रेमर है। ट्रेमर माने होता है तेज कंपन। चैटरिंग माने होता है चहचाहट, आपको मालूम है। थ्रिलिंग माने होता है रोमांस, रोमांच। ठीक, तो इसका अर्थ हो जाएगा जब वह वृक्ष की सघनता में प्रवेश करती है, इंटरेस्ट करती है, तो सभी बच्चे चहचहाट करते हैं। और कह रहा है ऑफ चैटरिंग चहचहाट एंड ट्रेमोर ऑफ विंग्स, पंखों की, ट्रेमर माने होता है पंखों की तेज कंपन एंड थ्रिली रोमांच के साथ। ट्रिलिंग्स है, टी आर ट्रिलिंग माने होता है तेज स्वर, तेज स्वर के साथ कंपन। टी आर आई ट्रिलिंग माने होता है तेजी से कंपन करना। तो इसका अर्थ हो जाएगा जब वह वृक्ष की सघनता में प्रवेश करती है, तब जो है वहां पर चहचहाटों, पंखों की तेज कंपन और स्वरों का एक यंत्र सा, मतलब पंछियों, जो छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे जो उसके चूजे हैं, उनकी आवाज वहां पर शुरू हो जाती है। अब पूरा अगर देखते हैं, एंड ए मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चैटरिंग एंड ट्रेमोर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग द होल ट्री ट्रेम्बल एंड थ्रिल्स। अब पूरा एक साथ यहां शुरू हो जाएगा, तो अब इसका हो जाएगा थ्रिलिंग्स यहां तक। तो पक्षियों की, जब पक्षी जो है वृक्ष की सघनता में प्रवेश करती है, तब वहां पर चहचहाटों, पंखों के तेज कंपन और स्वरों के कंपन का एक यंत्र सा शुरू हो जाता है। अब आगे देखिए, द होल ट्री पूरा पेड़ ट्रेम्बल्स, कांपता है एंड थ्रिल्स, और पूरा थ्रिल्स माने होता है रोमांचित होना। पूरा पेड़ कांपता है और रोमांचित हो जाता है, यानी रोमांस ऐसा भी कह सकता है, पूरा पेड़ जो है कांपने लगता है और रोमांस से भर जाता है।
इट इज ए इंजन ऑफ हर फैमिली, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, यह परिवार एक यह उसके परिवार का इंजन बन जाता है, अर्थात यह उसका क्या होता है, परिवार होता है, या परिवार का इंजन बन जाता है। अर्थात जैसे बोगी में जो ट्रेन के डिब्बे होते हैं उसमें इंजन जब शुरू लग जाता है तो आवाज आने लगती है, तो ऐसे ही बच्चों